Hello students of class 8. Today we will start with our next chapter, that is lesson number 11, direct and inverse variation. Direct and inverse variation मतलब क्या हुआ? Suppose करिए मैंने football खरीदी, एक football खरीदी और जिसका price था rupees 10, ठीक है? एक football का कितना price था? The cost of one football is rupees 10. और एक खरीदने के बाद मुझे एक और जरूरत पड़ी, तो मैंने दो footballs खरीद लिए, ठीक है? तो दो फुटबॉल्स मुझे कितने की पड़ी? रुपीस 20 की. दो फुटबॉल कितने की पड़ी? रुपीस 20 की मुझे टू फुटबॉल्स कॉस्ट हो गए इसके. और मैंने फिर क्या किया? तीन फुटबॉल्स खरीद ली. तीन फुटबॉल मुझे कितने की पड़ी? रुपीस 30 की. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जब हम फुटबॉल की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, जब हम फुटबॉल की क्वांटिटी बढ़ रही है, पहले मैंने एक फुटबॉल खरीदी, फिर जब मैंने दो खरीद ली तो वो 20 रुपए की हो गई, फिर जब मैंने तीन खरीद ली तो वो 30 रुपए की हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा हम फुटबॉल खरीदेंगे, जितनी ज्यादा फुटबॉल खरीदेंगे उतने ही ज्यादा हमको उसका पैसा देना पड़ेगा. सिंपल बात है. अगर मैं 5 फुटबॉल्स खरीदूंगा तो मुझे 50 रुपया देना पड़ेगा, 10 फुटबॉल खरीदूंगा तो वो मुझे 100 रुपए की पड़ेगी. तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है? कि जब क्वांटिटी बढ़ती है, यहाँ पे जब इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? क्वांटिटी बढ़ गई, 3 की जगह 4 हो गई, 5 हो गई, तो उसी के हिसाब से जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता चला जाता है. इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है? जब क्वांटिटी के साथ साथ इसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाए उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. जितना ज्यादा हम सामान परचेस करेंगे, जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा भी देना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. और जितना कम हम सामान परचेस करेंगे उतना कम हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए कि जितना ज्यादा हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हमारा अमाउंट बढ़ रहा है. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. क्या हम इसको कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन. सपोज करिए कि मैंने 3 फुटबॉल्स खरीद ली, ठीक है? तो वो मुझे 30 रुपीज की पड़ गई. और अगर मैंने 3 की जगह 1 ही फुटबॉल खरीदी तो वो मुझे 10 रुपीज की पड़ गई. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे फुटबॉल की क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसका प्राइस है वो भी कम होता चला जा रहा है. इसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. इसको हम क्या कहेंगे? इनवर्स वेरिएशन, ठीक है? इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है. क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. टोटल चैप्टर की जो मेन थ्योरी थी वो बस इतनी ही थी. अब हम आएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है? डायरेक्ट आएंगे हम लोग एक्सरसाइज पे. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.1. एक्सरसाइज हम लोग की कौन सी है? एक्सरसाइज है हमारी 11.1. एक्सरसाइज 11.1. यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 11.1 में 3, ठीक है? यहाँ प्रॉब्लम 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. प्रॉब्लम 3 आपको, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स में वैसा ही आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे पास है. द कॉस्ट ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू 180. तो यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 15 पेंस. कॉस्ट ऑफ 15 पेंस कितनी है? 180. आपको स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि 18 पेंस की कॉस्ट कितनी होगी. तो कॉस्ट ऑफ 15 पेंस इज इक्वल टू 180. कॉस्ट ऑफ 1 पेन, अगर हमको एक पेन निकालना हो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 180 अपॉन 15, ठीक है? वो कितने के बराबर हो जाएगा? एक पेन की कॉस्ट जो है वो रुपीज 180 अपॉन 15 के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 पेंस. यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफोर कॉस्ट ऑफ 18 पेंस इज, क्या हो जाएगा? एक पेन की कॉस्ट ये आ गई है, तो हम इसमें अगर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 18 पेंस की कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या मैं करके दिखा दे रहा हूँ. 3 5 15, 3 6 18, 5 1 5, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, 6 6 36, 6 1 6, 6 2 12, 18 19 20 21.
216 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, देखिए मैंने तीन स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर दिया। कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू इतना, तो कॉस्ट ऑफ एक पेन कितना हो जाएगा 180 अपॉन 15। एक पेन की कॉस्ट आपको पता है, 18 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट हम उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 216 हमारे पास आंसर आ जाएगा।